फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया के स्वाद। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मसाला। तो तंदूरी मसाला बनाने के लिए ये तकरीबन 16 से 17 मसाले लग जाते हैं और ये ऐसे मसाले जो हर इंडियन किचन में आसानी से मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए तंदूरी मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन रख लेंगे। उसमें हम रखेंगे साबुत धनिया, शाही जीरा, मिठी दाना, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, बड़ी इलायची, जावित्री, हरी इलायची, तेजपत्ता, लौंग और चक्रफूल या कर्नफूल। अब इन सब मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। तो आप देखेंगे 3 से 4 मिनट बाद में इसमें से धुआं निकलने लग जाता है, तो हम इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए फिर से चलाते रहेंगे, ताकि क्योंकि पैन गर्म होता है और इसमें हीट जनरेट में मसालों को जलने का डर होता है, तो हमें इसे बचाना है। तो फिर हम इसे रूम टेम्परेचर में हम इसे ठंडा करके हम इसे एक ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जब मसाले गर्म हो तो हमें नहीं डालना है जार में, तो हम इसे पीस लेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि मसाले साबुत है लेकिन ये रोस्ट हो चुके हैं तो पीस तो जाते हैं पर 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली ब्लेंडर को नहीं चलाएंगे, बीच बीच में ब्रेक देके इसे चलाएंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी दालचीनी पाउडर, सौंठ, जायफल का पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास साबुत जायफल है तो आप उसे दरदरा कूट के आप उसे रोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पाउडर अवेलेबल है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। हम इन सबको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर देंगे ताकि ये सब मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और फिर हम इसे क्या करेंगे, हम इसे छान लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, तो हम इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके जो भी मोटे मोटे पीसेस है या जो भी फूस जैसे कहते हैं ना, धागे से रेशे से आते हैं, वो सारे निकल जाएंगे। तो ये मसाला रेडी हो चुका है। तकरीबन हम यहाँ पे 100 ग्राम मसाले बना के रख लिए। तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मसाला वैसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है पर घर में भून के बने हुए मसालों की बात ही कुछ और है। तो आप इसे तंदूरी पनीर, पनीर टिक्का और बहुत सारी सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाली रेसिपी से बताऊंगी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।